Assalamualaikum student of level 7. I hope you are enjoying your summer vacation. Today we do the page number 21, question number 3 of your skill booster pack. The question number 3 is define the following terms. यहाँ पर आपको नीचे कुछ terms दिए हैं, आप उसकी definition write करनी है, उसको understand करना है. Your SLOs will be to apply different terminologies of computer. यहाँ पर आप पढ़ेंगे different terminologies. The first word is block. I hope आपने ब्लॉग और पहले भी सुना होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है. अ ब्लॉग इज अ पर्सनल ऑनलाइन जर्नल दैट इज फ्रेंडली अपडेटेड एंड इंटेंडेड फॉर जनरल पब्लिक कंजम्पशन. जनरल आपके पास एक ब्लॉग है, आपके पास ऑनलाइन जर्नल होता है जिसे फ्रिक्वेंटली अपडेट किया जाता है डेली बेसिस पे. नेक्स्ट इज होम पेज, द इंट्रोडक्टिव पेज ऑफ अ वेबसाइट. जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो आपके पास फर्स्ट पेज अपीयर होता है वो होम पेज होता है जिसमें सारी इंट्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज स्पेशली डेटा स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज क्या, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, जब हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को हम अवेल करते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग ना सिर्फ स्टोरेज करती है डेटा की बल्कि प्रोसेसिंग भी करती है. HTML एट्रीब्यूट्स, द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज आर नेम फॉर अ HTML एलिमेंट टाइटल एंड स्टाइल. टाइटल एंड स्टाइल जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं. HTML हमने पढ़ा था, हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो हम वेब पेजेस डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं. जब हम एक वेब पेज बना रहे होते हैं तो उसमें हम देयर डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं. वो एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, हमारे HTML पेज का कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसमें कौन सा फॉन्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें टेबल इंक्लूड करें, ये सारे एट्रीब्यूट्स में शामिल होते हैं हमारे. नेक्स्ट इज कैनवस. A canvas is a container that holds various drawing elements like lines, shapes, text. जब आप कंप्यूटर में ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं तो कैनवस में क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी शेप्स, लाइन्स, कलर्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नेम्स ऑफ गिवन लोगोज. यहाँ पर आपको नीचे डिफरेंट तरह के लोगोज दिए हैं, इनका नेम आपने राइट करना है. अगर SLOs विल बी टू डिस्क्राइब द लोगोज और डिफरेंट ऐप्स. यहाँ पर ऐप्स के लोगोज हैं, इनका नेम हमने राइट करना है. फर्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बारे में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, इट्स अ लोगो ऑफ लिंक्डइन. ये आपके पास एक ऑनलाइन जॉब वेबसाइट है. द नेक्स्ट वन इज, या आप लोग अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज़ करते होंगे, इट इज़ गूगल क्रोम. नेक्स्ट इट्स द लोगो ऑफ यूट्यूब एंड जीमेल. जीमेल इज द गूगल मेल. जो क्रोम पे हम लोग यहाँ पर जो अपनी मेल क्रिएट करते हैं उसको हम जीमेल कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज फॉर फेसबुक.